सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे WhatsApp बिजनेस सॉफ्टवेयर से हम इंपोर्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट्स को, जिसमें कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक है इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, मैनुअल इंपोर्ट, इंपोर्ट फ्रॉम WhatsApp कॉन्टैक्ट्स एंड इंपोर्ट फ्रॉम WhatsApp ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं इंपोर्ट फ्रॉम फाइल्स। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे इंपोर्ट फ्रॉम फाइल को। तो जैसे ही आप इंपोर्ट फ्रॉम फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको इंपोर्ट फाइल सेलेक्ट करने को कहा जाएगा। तो ब्राउज़ करके आप अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट कर लीजिए अपने सिस्टम में से। तो मेरी फ़ाइल डाउनलोड फोल्डर में पड़ी है, जिसमें क्लाइंट की लिस्ट वगैरह, क्लाइंट के नंबर्स हैं। तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये उसके बाद मैं ओपन पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये ऐड हो जाएगी इंपोर्ट में। तो आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट में आ गई है फाइल कंप्लीट। उसके बाद देखिए आप ऑप्शंस इसमें चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट फील्ड जो आ रहा है वो नेम फील्ड है, सेकंड नंबर फील्ड है। तो इसी टाइप से हमें अपनी फ़ाइल देखनी है कि कौन से फील्ड में हमारा नेम है। अगर हमारा नेम F4 में आ रहा है, जैसे कि मेरी फ़ाइल में F4 में नेम आ रहा है, तो यहाँ से मैं F4 को सिलेक्ट कर लूँगा, वो नेम फील्ड हो जाएगी मेरी। और नंबर मेरा जिस भी कॉलम में आ रहा है, जिस कॉलम में मेरा नंबर आ रहा है, उस कॉलम नंबर को मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा नंबर फील्ड में। तो मेरे जो नंबर हैं वो F11 फील्ड में है, F11 कॉलम में। तो मैं उसको ऐड कर दूँगा नंबर फील्ड में F11। और कुछ नहीं करना, हमें दो चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, और वैसे तो सिंपल एक चीज़ की ज़रूरत है, मोबाइल नंबर की। तो बस इसको ऐड करने के बाद हम इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे नंबर्स इम्पोर्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये 52 कॉन्टैक्ट्स इस लिस्ट में थे, जो कि सभी कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट हो चुके हैं। अब बस हमें कुछ नहीं करना, अब आप मैसेज अपना टाइप करिए और सेंड नाउ पर क्लिक कर दीजिए और ये आपकी मैसेज कॉन्टैक्ट्स को भेजना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है मैनुअल इंपोर्ट, इसमें आपको नंबर टाइप करने पड़ेंगे मैनुअली, जिसमें कंट्री कोड के साथ ऐड करना नंबर को, जैसे कि हम ऐड कर रहे हैं आप देख सकते हैं। तो इसी टाइप से आपको भी कंट्री कोड के साथ नंबर को ऐड करना है और नेक्स्ट नंबर ऐड करना, तो एंटर करते जाइए, यानी नेक्स्ट एक लाइन में एक नंबर को आपको ऐड करना है, जैसा कि लिखा हुआ भी है कि लाइन पर नंबर यू कैन नेम बाय एंटर नेम कॉमा देन मोबाइल नंबर। नेम भी दे सकते हैं आप, सबसे पहले आप नेम टाइप करिए, कॉमा करिए, फिर मोबाइल नंबर, इस टाइप से आप कर सकते हैं नेम भी देकर। बट हम विदाउट नेम टाइप कर रहे हैं मैनुअल, तो देख सकते हैं ये भी वर्क कर रहा है इम्पोर्ट का। दूसरा है कि इम्पोर्ट फ्रॉम व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स, तो WhatsApp पर आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे उनमें से इंपोर्ट कर लेगा ये, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं सभी कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कर लेगा WhatsApp पर। तो आप देख सकते हैं ये सभी कॉन्टैक्ट्स आ गए हैं इंपोर्ट होकर। तो इसमें भी आप उसके बाद मैसेज टाइप करके सेंड नाउ कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है इंपोर्ट फ्रॉम WhatsApp ग्रुप्स, जितने भी आपके WhatsApp में ग्रुप्स होंगे उन सभी को ये इंपोर्ट कर लेगा। तो आप डायरेक्टली सभी ग्रुप्स में एक बार में मैसेज सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, आपके पास ग्रुप्स की लिस्ट आ जाएगी और आप मैसेज को सेंड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप मैसेज की ग्रुप्स की लिस्ट आ गई, जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं ये लिख कर भी आ रहा नीचे, टोटल 170 ग्रुप्स। तो अगर हमें ग्रुप्स में मैसेज भेजना है तो सिंपल बस ये इंपोर्ट हो गए ग्रुप्स, और मैसेज टाइप करिए और सेंड नाउ क्लिक कर दीजिए, बस आपका हो जाएगा। मैं ये एक फ़ीचर वर्क करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे वर्क करेगा। इसमें मैं अपना जो मेरा पहले का मैसेज है उसको मैं पेस्ट करके एडिट कर देता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए इस मैसेज को मुझे सेंड करना है, और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप एक बार चेक कर लिया करिए कि मैसेज जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। पहले एक मैनुअल इंपोर्ट में करके किसी भी आप अपने पर्सनल नंबर पर ही चेक कर सकते हैं, एक नंबर पर मैसेज टाइप करके कि हाँ मैसेज जा रहे हैं, उसके बाद आप ये ग्रुप से इंपोर्ट करिए और मैसेज सेंड करना स्टार्ट कर दीजिए।
तो इस मैसेज को हम एडिट कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम सेंड करते हैं इमेज और लगाते हैं हम। ये हमारी कंपनी का CRM सॉफ्टवेयर है, उसका हम लगा रहे हैं। और इसमें भी हमें सिंपल सेंड नाउ पर क्लिक करना है कंप्लीट होने के बाद मैसेज को। तो आपके सामने ये दो ऑप्शंस आएंगे सेंड करने के, एक आएगा सेफ मोड, एक आएगा ब्लाइंड मोड। तो आप ब्लाइंड मोड करके कंटिन्यू कर सकते हैं और आपके मैसेज सेंड करना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब फाइनल जब सभी मैसेज चले आए उसके बाद आप एक पॉपअप आएगा कि योर बल्क मैसेज हैज़ बीन डन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।